सनसनी। इंसानों के बीच आदमखोर कुत्ते, कुत्तों ने दी 13 दर्दनाक मौत। तेरा बच्चे अभी तक जो है मारे जा चुके हैं। खूनी कुत्तों का एनकाउंटर। गांव के अंदर काफी दहशत बनी हुई है। सीतापुर के खूनी कुत्तों का रहस्य। वो इंसानों पर हमला करते हैं। वो लोगों की जान लेते हैं। काला कुत्ता है जिसके मुंह में खून लगा हुआ है। कई जगह मतलब जो है हमला कर चुके हैं। 13 बच्चे अभी तक जो है मारे जा चुके हैं। कुत्तों का आतंक तो बहुत बड़ा है। वो आदमखोर बन चुके हैं क्योंकि उन कुत्तों ने अब तक एक दो नहीं 13 बच्चों को मार डाला है। छोटे छोटे बच्चे घर से निकलना बंद हो गया है। बकरी चराना नहीं जा रहे हैं, ना जानवर लेके जा रहे हैं, खेतों में नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर यूपी के लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले की है, जहां खूनी कुत्तों के खौफ ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। और अब ये खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि यहां इंसान और कुत्तों के बीच एक जंग छिड़ गई है। कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं और लोगों ने कुत्तों के एनकाउंटर की मुहिम छेड़ दी है। कुत्ते ने कभी स्कूल जाते बच्चे को नोच डाला, तो कभी सुनसान खेत में बच्चे पर हमला किया। कुत्ते के नुकीले दांतों से कोई बच्चा मौके पर ही मारा गया, तो किसी ने अस्पताल पहुंचने के बाद भी दम तोड़ दिया। यह तस्वीर सीतापुर के भगौतीपुर गांव की है। यहां 9 साल के जुनैद की आंखों के सामने उसके भाई कासिम को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। जब कुत्तों ने हमला किया तो जुनैद जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया था। कुत्ता आया है, गिरवा पकड़ लिए, हम पेड़ पर चढ़े, दूसरे चढ़ के कैसे थे लाल सुबह काले, एक बड़ा रहा है और सब छोट छोट खेत से निकल गया है। जुनैद का दावा है कि जानलेवा हमला करने वाले कुत्ते भौंक नहीं रहे थे। उस वक्त जुनैद और कासिम के साथ दादी रईसा भी थी। रईसा की माने तो वो खूनी कुत्ते गांव के कुत्तों से अलग दिख रहे थे। जब कुत्ता गया तो हम कहे लगे हाँ बिटिया जन दे कुत्ता आई गए, तो यू भैया उतर नहीं पाए से और वो खड़े रहे तो उनके पकड़ लिए से भैया झटकोई पकड़ लिए से भैया, हम चिल्लाए लगे टट्टर चलते रहे तो वहाँ कोई सुनवा तो कोई ना भाई भैया को देखे होंगे कैसा था जैसे गाँव में कुत्ता ना भैया। हाँ कुत्ता उरी रंग के हैं भैया, ऐसे नहीं है कुत्ता। सीतापुर के खैराबाद गांव का खालिद सुबह बाग में आम चुनने गया था। अचानक खूंखार कुत्तों ने उसे घेर लिया। खालिद भागकर गांव नहीं पहुंच पाया और कुत्तों ने उसे दबोच लिया और उसे तब तक नोचा जब तक खालिद की मौत नहीं हो गई। तो अगर पकड़ लिए गए होते तो ये दोबारा हादसा नहीं होती। सीतापुर के महेशपुर चिलवारा गाँव में 10 साल की रीना सुबह खेतों में गेहूं की बाली बीनने के लिए गई थी। उसी दौरान रीना को कुत्तों ने बेरहमी से नोच कर मार डाला। रीना की मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी को कुत्तों ने मार डाला। हमारे खेत में गेहूं था, उसमें बाली बीन गए, फिर उसमें चार लड़की आई, कड़ी लाकर खा गई, मैं तो घर में रहा था। हाँ जब लड़की बताया तब गया अंदर, वहां से मेरी बेटी मरी मिली।
कुत्ता तो आ गया, पांच रहा कुत्ता नोच खा गया, बताया नहीं लड़की तो हम दौलत क्या। कुत्ते के हमले में बच्ची रीना के मारे जाने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वो रीना का शव साथ लेकर सड़क पर उतर आए। लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ था। लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं है, बीते 6 महीने में सीतापुर में 13 बच्चे खूंखार कुत्तों के शिकार बन चुके हैं। नवंबर में पहली बार कुत्तों ने 2 बच्चों हिमांशी और सोनम की जान ली थी। जनवरी में मोबिन पर जानलेवा हमला हुआ। फरवरी में शगुन खूंखार कुत्तों की शिकार बनी। मार्च में 2 बच्चों अरबाज और शानिया पर जानलेवा हमला हुआ और मई में अब तक 6 बच्चे खूंखार कुत्तों के शिकार बन चुके हैं। शाबनी, खालिद, कोमल, गीता, वीरेंद्र और कासिम। सिर्फ बच्चे ही नहीं, कुत्ते बड़े लोगों पर भी हमले कर रहे हैं। सीतापुर के महेशपुर चिलवारा गांव में ही जिस जगह कुत्तों ने रीना नाम की बच्ची को मार डाला, उसके कुछ देर बाद ही खूंखार कुत्ते ने इलाके के एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। हम यहां से सुबह सुबह जा रहे थे अपने खेत को, तो वहां से हम रास्ते में जब पहुंचे तब हमको एक कुत्ते ने पीछा किया हमको, तो हम ये वाहन अपनी ठिलिया छोड़ के हम भाग गए वहां से। तो हमने शोर मचाया वहां पे, तो पीछे से हमारे करीब 2 खेत हमारा पीछा किया कुत्ते ने। सुबह सुबह जो है जंगल से काला कुत्ता है जिसके मुंह में खून लगा हुआ है। गांव के लोगों ने उसको दौड़ाया और दौड़ा के वो नदी क्रॉस करके भाग गया। उसके बाद फिर आया लाठी डंडों से और असलहों से उसको घेरा गया। उसके ऊपर 2-4 फायरें भी की गई, पर वो इतना खतरनाक है कि मुंह फैला के भाग गया है, अभी ढूंढने नहीं मिल रहा है। सीतापुर के जो गांव खूनी कुत्तों के हमले से लहूलुहान हैं, उन गांव की एक तस्वीर ये भी है। यहां के सैकड़ों लोग खुले में शौच जाते हैं। कई लोगों की ये आदत बन चुकी है, तो कई ऐसे हैं जो शौचालय न होने की मजबूरी झेल रहे हैं। सीतापुर में इन दिनों ये नजारा आम है, जब लाठी और बंदूक के साए में लोग शौच के लिए निकलते हैं। सीतापुर के कई गांव में सुबह शाम यही नजारा होता है, जब हथियारबंद लोगों के साथ शौच के लिए घर से निकलते हैं। इस वक्त हर कोई चौकन्ना होता है कि कहीं कोई कुत्तों का झुंड उन पर हमला ना कर दे। ये कुत्तों के वजह से करा रहे हैं कि कुत्ता बहुत खतरनाक हो गए हैं, 2 बच्चों को मार दिया। और हमारे गांव में 2 बच्चों को मारा, टिकरिया गांव में है, वहां बच्चों को मारा, रहमाबाद में पकड़ा तो खैर वो बच गया एक बच्चा, और कुलिया में अभी एक बच्चे को उसी दिन मार दिया। तो ये बच्चे कुत्तों से बच जाएं, इसलिए हम लोग जो है सुरक्षा अपने बच्चों की करते हैं। कि अभी जो है पूरी तरीके से जो ग्रामीण है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप। सीतापुर के इन गांवों में कुत्तों के खौफ की कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि कुत्ते सिर्फ गर्दन पर हमला करते हैं, तो किसी का कहना है कि हमलावर कुत्ते भौंकते नहीं हैं और न ही शिकार का मांस खाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हमला करने वाले कुत्ते आम कुत्तों से अलग हैं और आकार में बड़े भी दिखते हैं। रंग उसका हल्का लाल था और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, आम कुत्तों से जैसे सेम कुत्ता था, ये तंदुरुस्त था, ताकतवर था कुत्ता। खूनी कुत्तों को लेकर लोगों के अलग अलग दावों के बीच ये बात भी सामने आई है कि वो कुत्ता नहीं भेड़िया जैसा कोई जानवर हो सकता है। यही नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय बूचड़खाने बंद होने से मांस के लिए भटकते कुत्ते आदमखोर हो गए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने खूनी कुत्तों को बाहर से लाकर सीतापुर के गाँव में छोड़ दिया है। सलाहकार हाउस को यहीं के तो बंद नहीं किए, जिले के कई सलाहकार हाउस बंद किए गए। अगर ऐसा कोई मामला होता तो अन्य कस्बे के अन्य क्षेत्रों में जहां सलाहकार हाउस ऐसी शिकायतें वहां से भी आती, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि ये कुत्ते कहीं बाहर से छोड़ दिए गए हैं या ला के यहां डाल दिए गए। सीतापुर के खूनी कुत्तों के आतंक के रहस्य को समझने के लिए पशु विशेषज्ञों की टीम भी इन इलाकों में पहुंची। लोगों ने जंगलों का दौरा किया, लेकिन लोगों की भीड़ के बीच कुत्ते नजर नहीं आए। विशेषज्ञों की टीम ने घर घर जाकर लोगों से बात भी की ताकि वो कुत्तों के रहस्य को समझ सके। सीतापुर में खूनी कुत्ते के बढ़ते आतंक के बीच यूपी के सीएम ने भी वहां का दौरा कर हालात को समझने की कोशिश की है। कुत्ते के शिकार बने लोगों को मुआवजा मरहम लगाया गया, लेकिन कुत्तों का खौफ कम नहीं हुआ। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीतापुर में ही कुत्ते क्यों खूंखार हो गए हैं, उन पर क्यों काबू नहीं पाया जा सका है। पिछले दिनों
एबीपी न्यूज संवाददाता ने जिले के पुलिस प्रमुख आनंद कुलकर्णी से इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी। मांस खाने के बाद ये कुत्ते हिंसक भी हो सकते हैं ना, कि किसी इंसान को मार दे ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। अच्छा, जो कुत्ते खाते थे आज भी वैसे घूम रहे? हाँ, ऐसे घूम रहे। आपको क्या लगता है जो बच्चों को मारा जा रहा है कुत्ते ये नहीं कुत्ते हैं? क्या बूचड़ खाने में जिन कुत्तों को मीट खाने की आदत पड़ गई है, वही अब बूचड़ खाने में मांस न मिलने की वजह से भूख मिटाने के लिए मासूमों की जान लेने लगे हैं? संवाददाता उमेश पाठक इसकी पड़ताल करने के लिए बूचड़ खाने तक पहुंचे, जो फिलहाल बंद हो चुका है। पीड़ित के परिवार और बूचड़ खाने के ठेकेदार का कहना है कि हमला करने वाले कुत्ते गांव के आम कुत्ते नहीं थे। इस बीच हमें खबर मिली कि एक कुत्ते को मार गिराया गया है। पता लगा कि भगौतीपुर के सतनाम सिंह पर चार कुत्तों ने हमला किया था, जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे, लेकिन अपने भाइयों के साथ उन्होंने कुत्ते को मार गिराया। पर सतनाम का दावा है कि हमला करने वाले कुत्ते गांव के दूसरे कुत्तों जैसे थे, पर थोड़े तंदुरुस्त थे। उसका हल्का लाल था और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, आम कुत्तों से जैसे सेम कुत्ता था, ये तंदुरुस्त था, ताकतवर था कुत्ता। सीतापुर में न तो कुत्तों का खौफ कम हुआ है और न ही उनके हमले का रहस्य ही सुलझ पाया है। हमने जानवरों की बीमारी और लक्षण को जानने के लिए विशेषज्ञ से ये जानना चाहा कि क्या आम लावारिस कुत्ते अचानक हमलावर हो सकते हैं? क्या कुत्ते इंसानों पर बिना वजह हमला कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक लावारिस डॉग की बात है, जनरली ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, अनलेस दे फील इनसिक्योर। इनसिक्योर ना फील करें, ये लोग हमले नहीं करते। मेन कारण है जब लोग उनको डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, या गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, या कोई और कारण हो, जब उनको अननेसरली नॉर्मल लोकेलिटी से दूर भगाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, डॉग्स जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं और ह्यूमन के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर उनको आप मारें, पीटें या कुछ करें, तो जनरली वो इनसिक्योर हो जाते हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग। विशेषज्ञों का मानना है कि कुत्तों के हमलावर और इंसानों के दुश्मन बन जाने की कई वजह हो सकती हैं। सीतापुर के खूनी कुत्तों के लक्षण को समझकर उसका उपाय किया जा सकता है। देखिए, ज्यादातर ना डॉग हिंसक ऐसे नहीं होते। जहाँ तक मैंने आपको इनसिक्योरिटी की बात करी है ना, इनसिक्योरिटी मेन रीजन होता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है फूड की स्कार्सिटी। ज्यादातर क्या है कि गांव में लोग इनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, ये या तो डेड कार्केस पे खाएंगे, डेड एनिमल्स पे खाएंगे, या इनको कुछ और नहीं मिलता, तो सम टाइम दे माइट अटैक ह्यूमन बींग। हालांकि ये रेयरली देखा गया है, एंड ये केस हो सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको, जैसा कि मैंने बताया, मारपीट के भगाया जा रहा हो और उनको ह्यूमन से इतनी नफरत हो गई हो, वो भी एक केस हो सकता है कि ह्यूमन देखते ही उन पे अटैक करते हैं। सीतापुर में कुत्तों के खौफ ने इंसानों को भी खूनी बना दिया है और वो कुत्तों से बदला लेने पर उतर आए हैं। इस तस्वीर को देखिए, जहां हाथ में पिस्तौल लिए हुए ये शख्स कुत्ते पर निशाना साध रहा है और फिर अचानक गोली चलती है और कुत्ता वहीं ढेर हो जाता है। जिस कुत्ते को इंसान सबसे वफादार जानवर समझते हैं, जो इंसानों के सबसे करीब है, आज वही कुत्ता सीतापुर के लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया है, ये इंसानों को ही समझना होगा। सनसनी के लिए सीतापुर से राहुल अरोड़ा के साथ उमेश पाठक की रिपोर्ट।